अब हम लगाएंगे, हम बनेंगे अजय देवगन गियर। दुविधा में फंसे हुए हो तो हनुमान गियर निकाल कर। राजा की आएगी बेरा। तो भैया जी चलते हैं, अभी हम एक काम निपटाने। और भाई दलाल पे खड़ी है, आराम से पहले निकाल लो। तो मैंने इस राजा से पूछा, राजा मुझको ये बता, बाइक से चलेगा कार से चलेगा? तो डिमांड देख रहे हो अभी से हमारे मनोज वाजपेयी की। दिखा तो मनोज वाजपेयी लगता है नहीं लगता? नहीं लगता भाई, कमेंट करके बता दो, मनोज वाजपेयी का छोटा भाई लगता है नहीं लगता ये? तो अभी एक दो काम निपटा के आते हैं। ओहो, हेड पे राजा नहीं है मेरा नाम। तेरा नाम राजा है? राजा मेरा नाम है आशीष। आशीष नहीं है तेरा नाम, मनोज वाजपेयी। इंस्टाग्राम बहुत तेज गुस्से में हूँ मैं आज, बहुत तेज से चला दूंगा, बहुत तेज की गाड़ी चलाना आ रही है मुझको। ओके जी, तो अभी आ चुके अपन पारिक भैया के पास में। एक दो काम थे वो निपटाना जरूरी था, और निपटाते निपटाते ना शाम हो चुकी है। तो अभी आप लोगों को एक गाड़ी दिखा रहा हूँ, उसका फुल वीडियो आने वाला है, मतलब कि एक दो दिन बाद या फिर एक दो वीक बाद। तो मेरे को कमेंट करके बताना है कि वो कैसे लगी। तो दिखाओ भाई। बढ़िया है ना, जबरदस्त है कि नहीं है? इसका टायर का साइज देखो, मेरे को कूदना पड़ेगा। ये देखो भाई, ये गाड़ी है, क्या है ये? तो ये है निशान जोंगा, जो हमारे तैयार कर रहे हैं डॉक्टर पग कस्टम्स। वैभव भैया इधर बैठे हैं, काफ़ी अच्छे रैली ड्राइवर हैं और काफ़ी अच्छी गाड़ी चलाते हैं। आपको इनसे भी कभी मिलवाएंगे, रूबरू करवाएंगे। अभी तो चला नहीं रहे इन दिनों, सब कुछ शांति पे। अब क्या कर रहे हैं अपन? आओ इधर आओ, फ्रेम में आओ। इसका इंजन ट्यूनअप होगा। हाँ, और कुछ अपलोसरी डिजाइन होगी इसकी। हाँ हाँ, और ये मिरर्स वगैरह अभी ये रीट्यून किए हैं इनको। तो इसके अंदर थोड़ा सा आप लोगों को, वैसे देखो आज मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन मैं पारिक भैया से मिलने आता तो यहाँ पे ये बंडन खड़ा था। मैंने सोचा आप लोगों को अपडेट दे दूँ कि आने वाले टाइम पे ना इसका कुछ ना कुछ वीडियो आने वाला है। तो अभी एक शॉर्ट वीडियो दिखा देते हैं आपको। तो इसके अंदर से दिखाते हैं, दिखाओ थार का वो, दिखा दो डैशबोर्ड। कुछ स्टार्ट भी हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब अभी देख लो आप कैसा लग रहा है अभी, और जब ये पूरा बन जाएगा कितना खतरनाक लगेगा भाई। मतलब आगे चलते ना, छोटी मोटी गाड़ियां तो दिखती ही नहीं आशीष में। 800 तो मतलब अगर कोई आगे 800 चल रहे ना, वो दिखेगी नहीं सामने वाले को। और ऊपर से अगर हमारे विक्रम मना चलाएंगे तो बिल्कुल नहीं दिखेगी। आर्मी वाले ट्रक का है ना ये? हाँ। ये कितने का था एक टायर? चारों मिला के 2 लाख के बोल रहे हैं। 1.5-2 लाख रुपए के तो होंगे यार। तो अभी तक अपन कितने पैसे लगा चुके हैं इसमें? अभी बहुत मत करो। तो अभी आप लोगों को ना एक बार सामने से भी दिखा देता हूँ कितना ह्यूज लग रहा है। मतलब मॉन्स्टर, लोगों को पता हो या नहीं पता हो, जो महेंद्र सिंह धोनी सर है ना, उनके पास भी ऐसा ही कुछ आइटम उनके गैराज में खड़ा है। तो अभी देखो 800, देखो भाई कितनी सी लग रही है। शानदार, जबरदस्त। लाइटें वाइटें चालू है क्या? ओ भाई, अभी आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। पीछे का हिस्सा देखो कितना वाइड है। ये देखो यहाँ पे इसके अंदर लगी है थार की लाइट, यहाँ पे पीछे थोड़ी बहुत जगह है, यहाँ पे एक गेट मिलता है क्या? ये देखो यहाँ पे ऐसा स्पेस है, और इसके अंदर सनरूफ भी है। अभी बहुत सारा काम होना बाकी है, बिडिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखो इसके अंदर थार का डैशबोर्ड लगा हुआ है, थार का स्टेयरिंग है, थार का ही कंसोल है, और बढ़िया, मतलब बढ़िया चीज़ है, बढ़िया। क्योंकि रोड पे चलेगी ना कितना धमाका कर देगी, आप सोच लो। अभी एक और चीज़ बताता हूँ, इसके अंदर कौन सी गाड़ी का इंजन लगा हुआ है, आवाज़ सुनो फिर बताना, अगर आप लोगों को समझ में आए तो। भाई अभी तक आप लोगों ने गैस नहीं किया तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर कौन सी गाड़ी का इंजन लगा हुआ है, वो है टाटा 407 है।
हैं पारिक साहब? हाँ जी। तो अभी बैठते हैं पारिक साहब से, थोड़ी बहुत चीज़ें पूछते हैं कि कैसे मिलता है, कैसा इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, रोड लीगल है, यानी सारी चीज़ें आपको बताते हैं। अभी लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप लोगों को कोई भी गाड़ी का काम करवाना हो, जैसे आपको रैली में जाने से पहले कुछ भी काम करवाना हो, मॉडिफिकेशन करवाना हो, या कोई भी चीज़ आपको लग रहा है कि आपको परफॉर्मेंस से रिलेटेड चाहिए हो, तो पारिक साहब के पास जरूर पधारे हैं ना। हाँ जी। तो डॉक्टर पग कस्टम नाम से इनका फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी पेज है, मतलब ये काफ़ी अच्छे हैं, अपने बड़े भाई जैसे हैं। और इसके अंदर यहाँ पे जो ये लाइट, वो ये रॉयल इनफील्ड वाली है क्या ये? हाँ, 7 इंची राउंड वाली है ना। तो ये वाली लाइट आप लोगों ने अभी देख ली होगी कैसी लग रही थी। अभी आप लोगों को दिखाया जाए टाटा 407 का इंजन, यहाँ पे इसका वो है ना फिल्टर, ये एयर फिल्टर है और ये टर्बो चार्ज है। ओ भैया देख लो भाई, इंजन बे कैसा लग रहा है, मतलब बहुत ही मतलब बेसिक है, ओल्ड स्कूल है ना। देखो इसका रेडिएटर और यहाँ पे स्कूल है, और इसका गियर भी ओल्ड स्कूल निसान का ओरिजिनल 4x4 वर्किंग है, प्रॉपर 4x4 वर्किंग है, हनुमान गियर। हाँ, कई लोग है ना 4x4 को 4x4 बोलते होंगे, लेकिन हम 4x4 के जो गियर लीवर आता है ना उसको हम हनुमान गियर बोलते हैं। तो आओ बैठो, थोड़ी सी डिटेल लेते हैं कैसे मिलता है ये वाला ट्रक, बताओ कि ये कहाँ पे मिलता है, और अभी इस वाले टाइम पे मिल जाता है नहीं मिलता, पहली बात। अभी है, मिल जाता है। हाँ, ये मिल जाता है, आर्मी ऑक्शन से मिलता है ये। ओके, तो बहुत पहले ये आर्मी में काम में आता था। हाँ, अब इसका ऑक्शन होने लग गया है। ओके, तो जब ये मिलता है तो बिल्कुल एकदम स्क्रैप कंडीशन में, स्क्रैप कंडीशन में मिलता है, मतलब बॉडी लाइन, जो बॉडी वगैरह कुछ भी नहीं होती, ये बाद में डिजाइन किया हुआ है सब कुछ इसका। अच्छा, है एक एक पार्ट। कितने का मिल जाता है ये भैया? 3 लाख 3.5 लाख रुपए। रनिंग कंडीशन? रनिंग कंडीशन ना ना, स्क्रैप मिलता है, सिर्फ स्क्रैप मिलता है, इसको पूरा काम करना पड़ता है शुरू से। इंजन वर्किंग नहीं होता क्योंकि उसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते, इसलिए वो वर्किंग नहीं है, इसलिए अपन ने टाटा 407 का डाला, जिससे लेकिन ये 4x4 वर्किंग है। तो एक और बात बताओ, ये रोड लीगल है? हाँ, ये रोड लीगल है क्योंकि इसके नंबर है, रजिस्ट्रेशन RJ20 का, कोटा का, RJ26 टोंक का होगा, टोंक का, जिसमें 5-7 लाख रुपए तो लगे हुए, ज्यादा लग चुके हैं। कितने अभी ये मैं नहीं बता सकता, ये रिवील नहीं कर सकता, मतलब कितने पैसे लग चुके जब अभी बता देंगे तो फिर बाद में क्या बताएंगे। खड़िया, वैसे आप लोगों को एक चीज बता दूं, वैभव भैया का जिप्सी के अंदर जो हाथ है ना वो काफी अच्छा बैठा हुआ है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 2 जिप्सी है, 2 या 3 है? 2-3 है, दुविधा में फंसे हुए हो तो हनुमान गियर निकाल कर। पारिक भैया बता रहे हैं ये राजस्थान में इकलौता है, है ना? हाँ। तो इसके साथ साथ एक चीज बताओ, ये ज्यादा भागता तो नहीं होगा? 70 नहीं, मैक्सिमम स्पीड है 60-70। तो भैया देखो, ऑफ रोडिंग में तो इतना भागेगा नहीं है, लेकिन अभी इसके जो फर्दर मॉडिफिकेशन है ना उसका थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ दे देते हैं। तो पहला मॉडिफिकेशन वो वाला बताओ, एग्जॉस्ट वाला। ये एग्जॉस्ट को बाहर निकालेंगे सीधा, स्ट्रेट खड़ा, यहाँ पे नहीं, यहाँ आगे। ओके, यहाँ से इसमें स्नॉर्कल भी होगा? स्नॉर्कल नहीं होगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं क्योंकि इसका एयर क्लींजर बाहर निकला हुआ। ओके, इसका नाम पहले नाम बता दो। इसका दैत्य रखेंगे, या तो दैत्य या दानव, दोनों में से एक नाम। और सनरूफ है इसके अंदर, सनरूफ। ओके, सनरूफ है, सनरूफ वर्किंग है। हाँ, तो फन लेना हो इतना ऊपर जाने के बाद और ऊपर का देखने का, तो आप लोगों को एक और चीज मैं बता रहा था, देखो इस गाड़ी की हाइट का आपको ऐसे अंदाजा नहीं होगा, अभी जो वैभव भैया की जो हाइट है ना वो है 6 फीट, और इस गाड़ी की हाइट देखो, मतलब मजा ही आ गया मतलब। और वैसे ये वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था, हम लोग कोई और काम करने गए थे, तो ये गाड़ी दिखी, हमने सोचा कि आप लोगों को दिखा दिया जाए, क्योंकि जब आगे आने वाले टाइम पे डायरेक्ट दिखाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, अभी बिफोर एंड आफ्टर वाली चीज़ आप लोगों को पता लग जाएगी। अभी बन के आएगी ना आतंक मजा देगी ये। पता है, और अभी चलते हैं अपन, आपको थोड़ी देर में मिलते हैं, इनसे थोड़ा सा कुछ डिस्कशन करना है, आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ। हाँ जी, तो कैसी लगी गाड़ी कमेंट करके जरूर बताना, आने वाले 1-2 वीक बाद या फिर आई गेस 2 या 3 महीने बाद जैसे वो गाड़ी तैयार होगी ना, आप लोगों को एक ड्राइव एक्सपीरियंस वाला भी एक वीडियो बना के दिखाएंगे, पब्लिक रिएक्शन भी दिखाएंगे। अभी क्या है, मैं एक छोटे से शोरूम पे आया था, मेरा बेसिकली क्या है, जो मेरा जो ट्रिमर है ना वो ख़राब हो गया है, तो अभी मेरे को ना एक नया ट्रिमर लेना, वैसे मैंने ऑनलाइन भी देखा था, लेकिन आशु है उसका जो कैफे है ना उसके जस्ट बराबर में एक शोरूम है, वहाँ पे ना बियर्डो का मेरे को ट्रिमर देखने को मिला। तो ये वाला, ये कितने का है? 1020 आफ्टर डिस्काउंट। बेसिकली क्या है, यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब मेरे लिए नहीं सबके लिए ही है। तो ये वाला बियर्डो का ट्रिमर है, इसके अंदर देखो यहाँ 50 में पड़ेगा, ये 1350 का पड़ेगा, वैसे नया कितने का? 2250। इसका बैटरी बैकअप 45 मिनट्स है। ये देखो, ये रही, वैसे आप लोगों को पता हो ही नहीं पता, मेरी पुरानी जो फोटोज के अंदर ना इतनी बड़ी बियर्ड थी, और अभी मैं स्लीपर भी देख लेता हूँ, स्लीपर भी काफ़ी अच्छी मिल रही है, मतलब सस्ते में मिल जाएगी 400-500 रुपए के अंदर, पता नहीं इतनी सस्ती क्यों दे रहे हैं। अपने को क्या, अपने को पहनना है भाई। तो भाई अभी देखो, एक गूगल भी देखा है अपन ने, मस्त लग रहा है यार भाई, लग रहा है, नहीं लग रहा मनोज वाजपेयी लगा, अपन लगा, वाह सही लग रहा है यार। हो गया क्या सिग्नल?
भाई देखो हो चुकी है छोटी मोटी शॉपिंग, मेरे को नहीं पता यहाँ पे इन भैया ने मेरे को डिस्काउंट क्यों दिया। ये वाला जो बल्ब है ना ये अच्छा लग रहा है, इसका केस है ना ज्यादा महंगा नहीं है, 200-250 रुपए का। और अब ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने रेड सिग्नल का वेट करा है क्योंकि पीछे बहुत सारा ट्रैफिक है। और आज है ना कई कैफे वालों के लिए गुड न्यूज होने वाली है क्योंकि आज से लॉकडाउन खत्म है। अब जिनके कैफे हैं जयपुर के अंदर एटलीस्ट वो 7 बजे बाद खोल सकते हैं। अगर टेढ़ा मेढ़ा जैसा ब्लॉग बनाऊंगा एडजस्ट कर लेना, आने वाला वीडियो काफी अमेजिंग होने वाला है। और उस निशान बंटन के बारे में भी बताना, अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो अपन बना देंगे। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम बाय, लाइक सेफ।